श्रद्धांजलि देनी हो तो सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि आज के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर आज का युवा संघर्ष करे, वो भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोशिश करे, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करे, एक बेहतर भारत बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्ष करे, तो जाके भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ फोटो पे माला चढ़ा देना तो वो तो श्रद्धांजलि कहीं से नहीं हो सकता है। सर, आप खुद से युवा हल्ला बोल से जुड़े हैं काफ़ी समय से, सर आप देश के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश प्रेमी की अपनी अगर जतानी है तो क्यों, कैसे जताएं और क्या चीज़ें हम इसमें ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस चीज़? देखिए, हमारा हमारे देश का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, आज से नहीं मतलब फर्स्ट एडी से लेके मुझे लगता है 17वीं-18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ ने भारत के समाज को भी बांटा, अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया, पूरे देश के ताने बाने को सिस्टम को बर्बाद किया बांट के। उसके बाद हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, अब हमारे हाथ में हमारी डेस्टिनी है। उसके बाद हम लोगों को मिलजुल के एकजुट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देश के जो युवा हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि युवा, देखिए युवा वही होता है जो स्टेटस को सिर्फ एक्सेप्ट ना कर ले बिना सवाल किए हुए, स्टेटस को चैलेंज करने की कोशिश करें, कोई भी सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ संघर्ष करे, कोशिश करे, उस बदलाव में अपना कुछ योगदान दे। जो कहे कि ये चलता है एटीट्यूड जो है कि जो भी है ठीक है चलता है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, वो युवा होता है। तो देश के युवाओं को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सिर्फ भारत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान मात्र ना करके कैसे भारत एक बेहतर भविष्य भी बनेगा, कैसे युवाओं का बेहतर भविष्य बनेगा, कैसे सरकार ज़्यादा जवाबदेह बने, कैसे हमारा लोकतंत्र ज़्यादा सुंदर बने, इसके लिए संघर्ष करें दिन रात, और भगत सिंह हमें इसकी प्रेरणा देते हैं। थैंक यू।